ब्लैकमेल केस में गवाहों को धमकाने का मामला, मायावती ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा यूपी में अपराधियों का राज। दिल्ली एनसीआर में ओला और उबर चालकों की हड़ताल, किराए में बढ़ोतरी की कर रहे हैं मांग, उबर के ड्राइवरों में गुस्सा। हमीरपुर में बर्थडे पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार के हाईकोर्ट में दाखिल हल्फनामे पर उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने लिखा कि हाथरस कांड के पीड़ित परिवार, उनके वकील और गवाहों को धमकाने का मामला बेहद गंभीर है। राज्य सरकार की कार्यशैली पर यह सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज है, पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा। मायावती ने लिखा कि यूपी के अति दुखद और शर्मनाक हाथरस गैंगरेप पीड़ित परिवार को न्याय पाने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो सबके सामने है, लेकिन उस संबंध में जो नए तथ्य अब कोर्ट में उजागर हुए हैं वे पीड़ितों को न्याय दिलाने के मामले में सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता के राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी के, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कोई पहला मामला नहीं है, हाथरस गैंगरेप और उसके बाद एक और मामला सामने आया था हाथरस गोलीकांड। यूपी तमाम दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा के, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक इस पीड़िता को कोई न्याय नहीं मिल पाया है। पीड़ित परिवार लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है और अब इसमें राजनीतिक मोड़ भी आ गया है। मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। बिल्कुल राखी, इसमें तमाम चीजों को हमें समझना होगा। जिस तरह से हाथरस वाला कांड चला था, हाथरस रेप कांड वाला, उसमें सरकार की जिस तरह से किरकिरी हुई थी और सरकार ने उसमें तमाम चीजों को फैलाने की कोशिश की थी कि जो पूरा प्रदर्शन चल रहा है ये विदेशी फंडिंग पर चल रहा है, इसका बाहर से पैसा आ रहा है, हवाला का पैसा आ रहा है और उसी के दम पर ये चल रहा है, विपक्ष को लेकर भी तमाम बातें कही गई थी। अब याचिका भी दायर कर दी गई है लेकिन उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप तस्वीरें याद कीजिएगा, जब पूरे 4 साल होने पर अपने उपलब्धियों को गिनवाती है सरकार, तो सरकार उसमें तमाम बातों का जिक्र करती है और कहती है कि हमने अपराध को कम कर दिया, हमने बेरोजगारी को कम कर दिया है। लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट जब निकलकर सामने आती है और उसमें जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले होते हैं। उसमें बताया जाता है कि लगभग 11% से अधिक जो अपराध में इजाफा हुआ है, उसके बाद भी अगर सरकार ऐसे दावे करती है तो ये कहीं ना कहीं गंभीर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, जिस तरह से अब इस मामले को लेकर मायावती मुखर हुई है, क्योंकि अभी तक मायावती बिल्कुल शांत थी, चुप थी, अभी से लेकर अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी तरह का जिक्र या किसी भी तरह से कोई भी बयान मायावती का निकलकर सामने नहीं आया था। लेकिन अब जिस तरह से वो मुखर हुई है इस बयान को लेकर, उन्होंने कहा है कि योगी सरकार जितने दावे करती है और जिस तरह से पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर इसको सिर्फ एक लाइन में ये कहकर खत्म किया जा सकता है कि सरकार की विफलता है जो अभी तक उन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया है। राखी, कि ये घटना है, अब तक न्याय नहीं मिल पाया है, लगातार पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, उनकी सुरक्षा नहीं है, तो यूपी में महिला थाने बनाए गए हैं, तमाम चीजें की गई हैं, सुविधाएं की गई हैं, लेकिन फिर भी आज भी पीड़ित परिवार इस तरीके की ठोकरें खा रहे हैं। क्या सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाती रहेगी या फिर महिलाओं के लिए कुछ करेगी भी? देखिए, सरकार ने योजनाएं तमाम चलाई हैं। अगर आप जिक्र करें तो जो स्क्वाड निकाला गया था, रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड जो निकाला गया था, उसका असर भी शुरुआती दिनों में, जब सरकार बनी थी उसके शुरुआती दिनों में उसका असर भी नजर आया था और तमाम तरह से जो देखे भी गए थे कि अपराध में कमी भी आई थी। लेकिन उसके बाद से अचानक से वो एंटी रोमियो स्क्वाड गायब हो जाता है, उसका अब कहीं ना तो जिक्र होता है और ना ही वो कहीं पर नजर आता है। यानी कि सरकार वादे करती है, सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको अप्लाई उतने अच्छे ढंग से नहीं किया जाता है, उनको लागू उतने अच्छे ढंग से नहीं किया जाता है जो करना चाहिए। तो
तो के इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो वहीं दूसरी तरफ देश में इन दिनों तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उसी रफ्तार से आम आदमी की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। महंगाई जितनी बढ़ रही है, कमाई में भी उतनी ही गिरावट आ रही है। इसी का विरोध करने के लिए आज से दिल्ली एनसीआर में ओला और उबर के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा कई बड़े शहरों के कैब ड्राइवर इस हड़ताल में शामिल हैं, जिनमें मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद और पुणे भी शामिल हैं। ओला और उबर चालकों का कहना है कि वो सोमवार को सुबह से ही अपने डिवाइस बंद रखेंगे। इस दौरान सिर्फ कंपनी द्वारा चलाई जा रही कैब ही लोगों को मिल सकेगी, जिनकी संख्या बेहद कम है। अब ऐसे में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ओला और उबर जो चालक हैं वो हड़ताल पर हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ाना आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जिस तरीके से चालक जो है वो हड़ताल पर है, वृद्धि की मांग कर रहे हैं कि बढ़ोतरी की जाए, ताकि किराए में बढ़ोतरी की जाए। महंगाई के इस दौर में गुस्सा है कैब ड्राइवरों में, और आज सुबह से ही उन्होंने अपने डिवाइस बंद कर दिए हैं। कंपनियों के द्वारा कुछ गाड़ियां चलाई जा रही हैं, लेकिन उनकी संख्या जो है वो बेहद कम है, जिससे रोज़ाना जॉब करने वाले और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से जो है वो हड़ताल पर हैं ये ड्राइवर, और हाथों में बोर्ड लेकर ये अपना रोष जता रहे हैं और सभी मांग कर रहे हैं कि किराए में बढ़ोतरी की जाए महंगाई के इस दौर में। तो चालक हड़ताल पर हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में इनकी मांग है कि किराए में वृद्धि की जाए, जिससे इन्हें कुछ बच सके। और हाथों में बोर्ड लिए हुए हैं चालक, लगातार गाड़ियां ठप्प पड़ी हैं। रोज़ाना आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियां बंद हैं। तो हमारी संवाददाता कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं। जो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे, पूरे दिल्ली एनसीआर में ओला और उबर चालक जो है हड़ताल पर हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल राखी, देश में इन दिनों तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उसी रफ्तार से आम आदमी की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी आपने पूछा कि पूरे देश में इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं ओला और उबर चालक, दोनों कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी बोनस और इंसेंटिव कम देने पर यहाँ पर वो काफी परेशान है। लगातार वो मांग कर रहे हैं कि किराए में यहाँ पर बढ़ोतरी की जाए, साथ ही जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया गया है, उन कीमतों के बढ़ने की वजह से भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राखी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसे लेकर न सिर्फ आम लोग बल्कि अब बड़े उद्योगपति जो हैं उनको भी काफी परेशानियां हो रही हैं। खास तौर पर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर तकलीफ में कोई है तो वो आम जनता है। आम जनता की जेब यहाँ पर काफी ज्यादा ढीली हो रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, और यही वजह है जिस वजह से अब यहाँ पर ओला और उबर दोनों ही यहाँ पर जो गाड़ियां चलाते हैं वो ड्राइवर्स काफी ज्यादा परेशान हैं, और कंपनियों के खिलाफ उनका ये प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, इसी तरीके से ये प्रदर्शन चलता रहेगा। राखी जी, जैसा कि आपने बताया कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, उसके बाद से ये लोग हड़ताल पर हैं, इनका कहना है कि किराए में वृद्धि की जाए, लेकिन इन सब में जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, वो पिस रहे हैं, उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल राखी, जिस तरीके से आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस हड़ताल की वजह से आम लोग जो इस पर निर्भर रहते थे, ओला उबर एक ऐसी चीज है जिस पर लोग निर्भर रहते थे, आप एक कॉल करें आपके पास गाड़ी सीधे पहुंचती थी, वो अब यहाँ पर सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। इससे पहले भी पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में लगभग 7,000 टैक्सी और बाइक ड्राइवर हड़ताल पर थे। उनका भी यही कहना था कि लगातार दामों में बढ़ोतरी की वजह से उनका मार्जिन कम होता जा रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि कई शहरों में कैब ड्राइवर इस वक्त हड़ताल में है। मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद और पुणे, इन जगहों पर सबसे ज्यादा यहाँ पर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में ओला और उबर के ड्राइवर हड़ताल पर हैं।
सबसे ज्यादा परेशानियां दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ओला उबर की, और ऐसे में इस हड़ताल की वजह से आम लोग इसमें काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लगातार उनका यही कहना है कि ये हड़ताल इसी तरीके से चलती रहेगी जब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है, जब तक सरकार की तरफ से यहाँ पर महंगाई को कम नहीं किया जा सकता है तब तक इसी तरीके से ये हड़ताल चलती रहेगी। रात जी कंचन, इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो यूपी में कोरोना वायरस का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को यूपी में कोरोना संक्रमित 496 नए मरीज मिले हैं। रविवार को एक कोरोना वायरस संक्रमित मरीज की मौत भी हो गई। 225 कोरोना मरीज अब तक ठीक होकर अपने घरों में चले गए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में रविवार को 141 मरीज मिले हैं। ये यूपी में सभी जिलों के मुकाबले, जो अन्य जिले हैं उनके मुकाबले सबसे ज़्यादा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार सबसे ज़्यादा राजधानी लखनऊ में है। रविवार को वाराणसी में 32, प्रयागराज में 30, गाज़ियाबाद में 28, झांसी में 17, कानपुर में 16 और चंदौली में 15, सहारनपुर में 14 नए मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमण से मुक्त श्रावस्ती, संभल, महोबा और सिद्धार्थनाथ जिले में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोग लगातार मिल रहे हैं। अब सिर्फ कासगंज ऐसा जिला है जहां पर कोरोना के मरीज नहीं हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संपादक मधु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार लगातार टीम 11 की बैठक कर रही है, योगी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सीएम योगी, लेकिन फिर भी कोरोना का बॉम्ब है जो वो जाकर राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा फूटा है, सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज वहां पर पाए गए हैं। जी बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरह से अभी सेकेंड स्ट्रेन मतलब दूसरा जो लहर कोरोना का आया है पूरे देश भर में, और जिस तरह जो स्थिति केरल, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की हुई है, दूसरे राज्यों की हुई है, उसी संदर्भ में अगर आप देखें तो यूपी की स्थिति या पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर आप स्थिति देखें तो वहां भी स्थिति जो है वो थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। चिंताजनक स्थिति इसलिए है कि रोज कोरोना के कोविड के जो टेस्ट हो रहे हैं उसी हिसाब से मरीज जो पेशेंट हैं कोरोना पॉजिटिव होने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है लगातार। जनवरी तक जहाँ ये संख्या एकदम न्यूनतम स्तर पर थी, मार्च के अब हम लोग मतलब अब मार्च एंड का लास्ट वीक शुरू हो गया है मार्च का, और उसमें अगर आप देखेंगी तो पूरे यूपी में 1000 से लेकर के 1200 के आसपास का, दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखें तो 500 के करीब पेशेंट, 400 से 500 के बीच पेशेंट रोज निकल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, कोविड-19 से ग्रसित जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। और अभी त्योहार का मौसम है, होली आने वाली है, तो राज्य में खास करके अगर यूपी की बात करें तो महाराष्ट्र में जहां कोरोना नागपुर से लेकर के पुणे से लेकर के मुंबई या पूरे और भी दूसरे शहरों में महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं यूपी के अलग अलग इलाकों से, तो वहां जो उनकी छुट्टियों में जो आने का सिलसिला शुरू हुआ है या पंचायत चुनाव के मद्देनजर जो लोग अपने राज्य को आ रहे हैं, अपने घर को आ रहे हैं, तो इसको लेकर के यूपी प्रशासन भी और दिल्ली में भी काफी एहतियात बरता जा रहा है। और इस वजह से जो भी आवागमन के जो रास्ते हैं या जो खास करके कह लीजिए जो एयरपोर्ट है या जो बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है वहां सघन जो है वो चेकिंग चल रही है, और जो सड़क मार्ग से लोग आ रहे हैं मास्क की चेकिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था है नहीं है, मतलब कोविड-19 का जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसको पूरी तरह से यात्री जो राज्य में आ रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश की सड़कों से जो NH है उससे जो गुजरते हैं लोग, दूसरे राज्यों को लोग जाते हैं सड़क मार्ग से या ट्रक ड्राइवर हो या जो दूसरे अपने निजी वाहनों से जो लोग जाते हैं, तो उनकी भी चेकिंग की जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि वो जो व्यक्ति सड़क मार्ग से जा रहा है वो किन होटलों में रुक रहा है, किन ढाबों पे खाना खाने के लिए रुक रहा है, वो जो कोविड-19 के दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइंस है, उसका वो अनुपालन कर रहा है नहीं कर रहा है, मास्क पहन रहा है नहीं पहन रहा है, तो इन तमाम चीजों की सघन एक तरह से कह लीजिए कि चेकिंग चल रही है। और अब तक केवल यूपी की बात करें तो 2000 से ज्यादा लोगों का चालान मास्क नहीं पहनने की वजह से किया जा चुका है। दिल्ली एनसीआर में रोज ही मास्क की चेकिंग हो रही है,
और जो वाहन चालक या वाहन में बैठे हुए लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके उनकी चालान हो रही है या अर्थदंड लगाया जा रहा है, मतलब फाइन किया जा रहा है 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक, कि ताकि लोग संभले। और जी मधुर जी, इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। यूपी में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग की तरकीब कारगर साबित हो रही है। ये नई तरकीब है ड्रोन कैमरे की मदद से ठिकानों का पता कर छापेमारी करना। रायबरेली में आगामी पंचायत चुनाव और होली को देखते हुए ये छापेमारी आबकारी विभाग के निर्देश पर की जा रही है, जिसमें पुलिस को सफलता लगातार मिल रही है। साथ ही मौके पर मौजूद भट्टियों को भी नष्ट किया जा रहा है। हालांकि इस छापेमारी के दौरान अवैध शराब कारोबारी जो है वो भागने में सफल रहे हैं। तो ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है, देखिए किस तरीके से जो शराब है उसको पुलिसकर्मी ले जा रहे हैं और भट्टियों को जो है नष्ट किया जा रहा है। इस सूचना पर ड्रोन कैमरे के साथ पूरी टीम, आपकारी निरीक्षक, हमारे एसडीएम महोदय, गुलबकरगंज थाने की पूरी फोर्स एक साथ जब रेड की और ड्रोन कैमरे से एक जगह बैठ के जब देखा जाने लगा कहां कहां चीज़ें ऐसी जंगल में, झाड़ियों में, नालों में, किन किन जगहों पर छिपाई गई हैं, ऐसे कई स्थान मिले जिन पर जाके मौके पर उनको नष्ट किया गया। लगभग 20 से 25 क्विंटल के आसपास लहन नष्ट किया गया। 500 लीटर दारू उनके ड्रम में जो रखी हुई थी छिपा के जमीन में गाड़ के उसको निकाला गया। बनाने के कई उनके यंत्र मिले, जो टीना, डिब्बा और अन्य सामान उनके होते हैं। शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आबकारी विभाग लगातार एक्शन मोड पे है। देखिए ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। तो वहीं हमीरपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। जनपद जरिया थाना क्षेत्र के पचखुरा गांव में आयोजित की गई इस बर्थडे पार्टी में एक ओर जहां बार बालाओं का कार्यक्रम जारी था, तो वहीं दूसरी ओर झूमते हुए युवक ने अपनी लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग की। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें युवक साफ रूप से कानून की धज्जियां उड़ाते यहां पर दिखाई दे रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और जांच में लगातार जुटी हुई है। वहीं रायबरेली जिले में दो गांव में खूनी झड़प और फायरिंग का मामला सामने आया है। दो गुटों में हुए इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद हालात जो है वो सामान्य हो गए। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस जांच पड़ताल कर फायरिंग करने वाले की जानकारी जुटाने में लगातार जुटी हुई है, तलाश कर रही है आरोपी की। तस्वीरें आपके सामने झड़प की। सोनभद्र से महिला के शव बरामद होने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जनपद के दुधी कोतवाली क्षेत्र के मलदेवा गांव का है, जहां बीते दो दिनों से लापता महिला का तैरता हुआ शव कुएं से बरामद किया गया। युवती पिछले दो दिनों से अपने घर से लापता थी और इस बारे में परिजनों ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। कौन लगती है आपकी मृतिका? हाँ, मृतिका कौन लगती है आपकी जो कुएं में शव मिला? बड़ी बेटिया। तो कैसे, क्या हुआ था? क्या शादी का यह मामला था? शादी का मामला। हाँ। तो कुएं से बरामद हुआ है युवती का शव। दो दिनों से अपने घर से लापता ये महिला थी, दो दिनों से परिजन तलाश में।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अशोक चौबे हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुएं से युवती का शव मिला है, 2 दिन से ये लापता थी, अब तक किसी चीज का खुलासा हो पाया है कि क्या कारण थे, आत्महत्या थी या हत्या? जी, बता दें कि सोनभद्र के दुद्धी क्षेत्र के कोतवाली क्षेत्र में ये 2 दिन से परिजन लड़की की खोजबीन कर रहे थे, जो कि किसी बात से नाराज होकर, बताया जा रहा है कि कहीं घर से निकल गई थी, बाद में 2 दिन बाद अपना ये कुएं में शव उतराया मिला है। तो ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस, जिससे कुएं से शव निकालकर अग्रिम कार्रवाई में लगी हुई है। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ बात पे नाराज होकर घर से बाहर चली गई थी, लेकिन खोजबीन किया जा रहा था। गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस को की गई थी, जहां से खोजबीन लगातार प्रयास में लगे हुए थे। उसके बाद 2 दिन बाद ग्रामीणों की सूचना पर कि कुएं में शव उतराया मिला हुआ है, उसको देख के फिर पुलिस मौके पर पहुंची है, उसको छानबीन में जुटी हुई है। तो किस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं यूपी के रायबरेली में हुए सड़क दुर्घटना में कार सवार 5 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। घटना जनपद के भदोखर थाना क्षेत्र की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं दुर्घटना में मरने और घायल होने वाले सभी लोग प्रयागराज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों का शव पुलिस ने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी में अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी लूट की घटनाओं को अंजाम देकर कानून को खुलेआम चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला जौनपुर का है, जहां नवेडिया थाने में हथियार के बल पर 2.5 लाख रुपए के जेवरात और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जाँच में और छानबीन में जुट गई है। क्या मामला था? मामला ये था कि हम रोज़ की तरह दुकान के लिए निकले थे, 9 बजे की बात है, 9 बजे हम घर से निकले और 9:10 पे 2 लोगों ने हमको ओवरटेक किया। कहाँ जा रहे थे आप? दुकान के लिए जा रहे थे, दुकान हमारा बासुपुर में है। अच्छा, दुकान के लिए जा रहे थे और जैसे हम मतलब जोगी भीर ब्रह्म बाबा जैसे हम क्रॉस किए हैं, तो हम पीछे देखे अपने शीशे में तो एक साइन वाला था और हमको मतलब बड़ी तेज़ी से हमारा पीछा कर रहा था। अच्छा, तो हमको लगा कि ये हमारे पीछे लगा है, जिस हिसाब से हमने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, फिर पीछे शीशा में देखे तो एक पल्सर आया जिसमें उस पर एक आदमी बैठा था, और जैसे ही वो हमारे करीब आके हमारे पीछे मतलब बंदूक लगा दिया, कट्टा लगा दिया। अच्छा, और हम उस कट्टे को छीनने के लिए अपनी एक हाथ छोड़े बाइक से, तो कट्टा तुम छीन लिए, जैसे कट्टा छीने उसने मुझे तुरंत पैर से मतलब मेरी बाइक पर लात मारा और मैं गिर गया। उसके बाद उतरते के साथ उसने मेरे सर पर वार किया और डिग्गी खोल के हमारा सारा सामान निकाल ले गया और पूरी तरीके से हमारा तलाशी लिया। तो मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस, यहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरात लूट कर लुटेरे फरार हो गए हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, खाकी के हाथ फिलहाल खाली हैं, किसी भी आरोपी के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए हैं। कानून को लगातार चुनौती दे रहे हैं यहाँ लुटेरे, पहली घटना नहीं है यूपी में इससे भी। लखनऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर के दिशा निर्देश पर बाजार खाला के इंस्पेक्टर धनंजय सिंह और ऐशबाग के चौकी प्रभारी राकेश कुमार चौरसिया ने बड़े सेक्स स्कैंडल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने मुंबई के 2 लड़कों और एक लड़की के साथ लखनऊ एक लड़की को गिरफ्तार किया है। ये लोग सफेद पोश से लेकर नेताओं और बड़े लोगों को हनी ट्रैप कर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। तो लखनऊ की यह पूरी घटना है, जहां पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है, लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 लड़के और 1 लड़की को गिरफ्तार किया है मामले में।
डीके ठाकुर की अगुवाई में इस पूरी कार्रवाई को करते हुए? नोएडा के सेक्टर 18 में बनी मल्टी लेवल पार्किंग के कर्मचारियों पर युवतियों और महिलाओं से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। वहीं इस युवक ने इस जानकारी को ट्वीट करके पुलिस कमिश्नरेट को दी। युवक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर कोई भी महिला अपनी कार या स्कूटी पार्क करने पार्किंग में जाती है तो वहां पर बैठे पार्किंग अश्लील हरकतें करते हैं जो वहां पर मौजूद होते हैं, जिसके बाद इसका जवाब देते हुए पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने उससे एसएसओ 20 पर कंप्लेंट करने की बात कही है। तो पार्किंग के वक्त जब महिलाएं जाती थी तो उनके साथ जो नोएडा के जो स्टाफ हैं वहां जो मल्टी लेवल पार्किंग को देखते हैं, जो उसके इंचार्ज हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने बात की। तो बात करने के बाद पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है, संभवतः कोई आया होगा और पार्किंग को लेकर के कुछ विवाद हुआ हो, तो बता रहे थे कि उन्हें याद नहीं है। लेकिन उन्हें भी बताया कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो इस पार्किंग के को हैंडल करने के लिए स्टाफ लगे हुए हैं उसमें 32 महिला स्टाफ उनके पास हैं। तो इसका मतलब है कि अगर महिला स्टाफ वहाँ पे हैं तो कोई भी अगर किसी महिला के साथ कोई विवाद हो रहा होगा, संभवतः मुझे लग रहा है कि शायद महिला जो वहाँ पे इम्प्लॉई हैं उन्होंने उसको हैंडल किया होगा। बट आज भी मैं दोबारा कहूँगा कि अगर किसी के साथ किसी भी तरह की कोई घटना घटी है तो उनको हम लोग तक आना चाहिए और आकर के एप्लीकेशन देना चाहिए। हम लोगों ने उनको लोकेट आइडेंटिफाई करने का भी प्रयास किया लेकिन हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। अगर इस तरह कोई शिकायत है तो हमारे पास आएगी, हम जरूर जाँच करेंगे उसको। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।